नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन व धनु राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का प्रभाव। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं लगन और राशि दोनों के आधार पर वीडियो बनाती हूँ। तो इसमें हम विचार कर रहे हैं कि अगर आपका कॉम्बिनेशन मकर लगन व धनु राशि का है तो शनि के वक्री होने का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। मकर लगन व धनु राशि का यह अर्थ है कि आपकी लगन कुंडली के पहले भाव में 10 नंबर लिखा है तो इसका अर्थ है आपका मकर लगन है, और चंद्रमा 12वें में बैठा है 9 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी धनु राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर मकर लगन व धनु राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। मकर लगन और धनु राशि के लिए शनि के वक्री रहने का क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि अगर हम धनु राशि की बात करें तो शनि महाराज पॉजिटिव चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी पॉजिटिव चल रहे हैं, और वो कैरियर के लिए एक अच्छा संकेत है। शनि का तीसरे भाव में चलना और गुरु का पंचम में चलना धनु राशि के लिए ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव है। मकर लगन की बात करें तो इस समय शनि महाराज दूसरे भाव में कुटुंब भाव में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में चल रहे हैं। जैसे ही शनि महाराज वक्री होंगे तो शनि महाराज अपने पीछे की राशि में लगन पर आएंगे। लगन पर आकर उनकी दृष्टि दशम भाव पर होगी और दशम भाव पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि चल रही है। तो शनि का वक्री होना मकर लगन और धनु राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहेगा। और जब तक शनि वक्री रहेंगे 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में, तब आपके पास कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं होने का समय है। पहली बात, आपके पास जॉब नहीं है, आपकी जॉब लग सकती है जून से नवंबर के बीच में। अगर आप लंबे समय से वर्तमान जॉब को बदलना चाहते थे तो जॉब को बदलने के लिए भी समय अच्छा है। और अगर हम धनु राशि से बात करें तो शनि और गुरु दोनों आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अगर आपके कैरियर को लेकर आपकी कोई लंबे समय से इच्छा थी जो आप अपनी पूरी करना चाहते थे, तो ये शनि का वक्री होना आपके लिए वो ये संदेश लेकर आया है कि आपकी उस इच्छा की भी पूर्ति हो सकती है। कई बार होता है हम व्यापार में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, तो आप उस नए काम को कर सकते हैं। लंबे समय से कोई आपका काम रुका हुआ था उसके पूरे होने की संभावना है। आप किसी से मुलाकात करना चाहते थे या कहीं यात्रा पे जाना चाहते थे, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत मिल रहा है। क्योंकि जब इच्छा पूर्ति के भाव 11वें को गुरु और शनि दोनों देखते हैं तो वह एक शुभ संकेत होता है। मकर लगन व धनु राशि के वो जातक जो विदेश में है उनके लिए सफलता का समय है। साथ ही जो इस समय विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो उनकी नौकरी में मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। जो अपने विवाह के इंतजार में है, विवाह योग्य है, उनका विवाह तय हो सकता है 4 सितंबर से 4 नवंबर 2023 के बीच में। यानी सितंबर से नवंबर के बीच में आपका विवाह तय होने की संभावना बनती है। अब ये तो थी पॉजिटिव बातें कि कैरियर के लिए शुभ है और आपके विवाहित जैसे संबंधों के लिए भी शुभ है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानी। पहली बात, मकर लगन में लग्नेश शनि वक्री हुए हैं। लग्नेश शनि के वक्री होने का मतलब है कि पुरानी बीमारी का निकल के आना, और मकर लगन में शनि जो है वो वात प्रदायक ग्रह हैं। शनि जो है जो वात जैसे रोग, जैसे मकर राशि से हम घुटने का विचार करते हैं पैरों का, तो मकर लगन के जातकों को या धनु राशि के जातकों को, कि धनु राशि में पिंडलियों का विचार करते हैं, मकर लगन और धनु राशि के जातकों को जनरली पैरों से जुड़ी प्रॉब्लम ज्यादा परेशान करती है। तो अपने पैरों का ध्यान रखिए। अगर आपको कोई गठिया की प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है या पैरों में खिंचाव रहता है, थोड़े से चलने की आदत डालिए। विशेषकर इस अवधि में जरूर चलने का प्रयास करिए जून से नवंबर के बीच में, क्योंकि जब शनि वक्री होंगे तो वो पुरानी बीमारी अगर आपके पैरों में थी तो दोबारा निकल के आएगी। आपके पेट में एसिडिटी गैस बनती है, उसका भी ध्यान रखिए। साथ ही साथ इस अवधि में हमें माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में है तो कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना बन सकती है। साथ ही मकर लगन से धनेश आपके वक्री हो रहे हैं, इस अवधि में किसी प्रकार के धन हानि की संभावना बनती है। हो सके तो इस अवधि में किसी को पैसा उधार ना दें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत सोच विचार के करें, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने की संभावना बनती है। जून से नवंबर के बीच में आपके खर्चे अधिक रहेंगे, आप जून से नवंबर के बीच में सेविंग नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखिए, मकर लगन व धनु राशि से शनि महाराज वक्री हुए हैं तो शनि के वक्री रहने का एक प्रभाव तो जरूर रहेगा कि आपको कामों में मेहनत अधिक दिलाएंगे। क्योंकि शनि महाराज की आदत है कि जब वो काम में मेहनत दिला देते हैं तभी सफलता देते हैं। तो जब तक शनि महाराज वक्री रहेंगे जून से नवंबर के बीच में आपके काम तो बनेंगे, लेकिन काम बनने के साथ साथ आप देखेंगे कि कामों में मेहनत आपकी ज्यादा हो रही है। कई बार आपको काम में बाधा का भी अनुभव होगा, लेकिन बाधा का अनुभव होने के बावजूद भी आपका काम बन जाएगा। बस आप मेहनत से मत कतराइएगा, मेहनत करते रहिए, शनि महाराज आपको पूरा रिजल्ट देंगे। तो मेरा यह मानना है कि मकर लगन व धनु राशि के लिए शनि का वक्री होना 58% तक बढ़िया शुभ है।
ये 58% इस बात की परसेंटेज दे रहा है कि मकर लग रहा है धनु राशि के जातकों के काम नहीं रुकेंगे, जून से नवंबर के बीच में उनके पास काम के नए अवसर आएंगे। हाँ ये बात अलग है, उनको जून से नवंबर के बीच की अवधि में थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। हो सकता है आप जहां काम करते हो वहां पे काम का भार आपके लिए बढ़ जाए। तो दर्शकों ये मेरा वीडियो था कि मकर लग रहा धनु राशि के लिए शनि का वक्री रोना कैसा रहेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।